इसलिए नहीं बीट कर पा रहा है क्योंकि सेल कंपनियों के माध्यम से आपके पास जो पैसे आ रहे हैं उसके बाद एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं आप अपने शेयर को, और उस शेयर को ले जाकर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति तो इतनी बढ़ गई है, लाइए 74,000 करोड़ रुपए, और LIC वाले को फोन बैंकिंग हो जाता है। मोदी जी आपको याद होगा ना, आपको याद होगा, आप ही जिक्र करते थे कि कांग्रेस के जमाने में फोन बैंकिंग होता था। फोन बैंकिंग का मतलब आपको दर्शकों मालूम है, फोन बैंकिंग का मतलब यह होता था कि कांग्रेस के नेताओं से जो जिनकी शागिर्दगी थी वो अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेना चाहता है तो कांग्रेस के नेता उनको फोन कर देते थे कि भाई इनको 20,000 करोड़ रुपए दे दीजिए, और उनको 20,000 करोड़ रुपए मिल जाता था। यह होती थी फोन बैंकिंग। पिछले तीन साल में अदानी की संपत्ति 13 गुना बढ़ी है, 13 गुना। देश पर हमला है हरीश सालवे जी, देश पर हमला है हरीश सालवे जी, ये देश पर हमला है, स्कैटिक अटैक ऑन नेशन। और हमारा देश अभी पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर रहा है, हमारी ग्लोबल रेटिंग बढ़ रही है, यही रेटिंग थी, यही तो उन्होंने फुस किया, आपके बलून में पिन मार दिया। आपका बलून था, वो हाइड्रोजन गैस था उसमें, वो हिंडनबर्ग जो बना ना, वो हिंडनबर्ग था, वो 1936-37 में जो प्लेन क्रैश हुआ था वो हाइड्रोजन प्लेन था जो क्रैश हुआ था। और हैरानगी है कि उसी एक क्रैश प्लेन के नाम पर हिंडनबर्ग कंपनी उसने बना दी। खैर वो एक अलग विषय है। मेरा ये कहना है कि गौतम अदानी साहब को 74,000 करोड़ रुपया अकेले LIC दे देता है, और अभी जो FPO आने वाला था, Follow on public offer, FPO, ये जो 20,000 करोड़ का जो FPO आने वाला था उसमें भी LIC बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला था, LIC हिस्सा लेने वाला था। फोन बैंकिंग हो गई थी, जाहिर है बिना फोन बैंकिंग के तो हो नहीं सकती है ये बात, फोन बैंकिंग हो गई थी और LIC पैसा देने के लिए आतुर था, तड़मराहट थी, एकदम से तड़प थी LIC में, मैं कैसे पैसा दूं अदानी साहब को, मैंने 74,000 करोड़ रुपए पहले ही दे दिए, कुछ और दे देते हैं, देना चाहिए। और SBI को भी बहुत एकदम से अंदर से तड़प थी कि कैसे कब इनको चेक जारी किया जाए। सुब्रत राय ने तो ऐसा नहीं किया, सुब्रत राय लोगों का पैसा लेकर के आपके ही पास जमा किया, लेकिन सुब्रत राय जेल चला गया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की नजर टेढ़ी हो गई कि 25,000 करोड़ रुपया आपने कैसे जुटा लिए OFCD से, और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सुब्रत राय के ऊपर इंक्वायरी कर दिया, कोर्ट में केस हो गया और सुब्रत राय जेल चले गए। लेकिन अदानी साहब को फोन बैंकिंग हो गया, LIC से 74,000 करोड़ रुपए, SBI से पैसे की देने की एकदम से ललक थी, और इसीलिए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को वापस लेना पड़ा और अदानी साहब को आकर के ब्रीफ करना पड़ा। मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियो सुब्रत राय सहारा के देखे हैं, जब बार बार वो आकर के अपने इन्वेस्टर्स को कहते थे कि आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, हम डूबेंगे नहीं, हम लड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। मुझे आज सुब्रत राय सहारा के प्रति आप ये कह सकते हैं कि मैं इसको जो कोरिलेट कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दो बिजनेसमैन को मैं देख रहा हूं, हो सकता है बहुत सारी कमियां होंगी उनमें, लेकिन वो इसी प्रकार से आकर के कहते थे अपने इन्वेस्टर्स को, कहते थे कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं सबका पैसा लौटाऊंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक व्यवसायी हूं, मैं लड़ रहा हूं अलग अलग फ्रंट पे, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। आज मैं जब गौतम अदानी साहब को देख रहा हूं तो मैं भी उनके प्रति बेनिवोलेंट हूं, मैं भी दयालु भाव से उनके तरफ देखता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि गौतम अदानी डूबे, बिल्कुल नहीं डूबे, मैं चाहता हूं कि गौतम अदानी आगे जाए गौतम अदानी। और मैं आज भी मैं गौतम अदानी के साथ खड़ा हूं, मैं लेफ्ट लिबरल की तरह नहीं हूं कि मैं अटैक करूंगा या सेडिस्ट की तरह मजा लूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि दो आस्पेक्ट हैं, एक बिजनेसमैन को जब आप डुबाते चले जाते हैं कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता है, वो तिरंगा फहराता है विदेशों में जाकर के, उस वक्त भी उसको राष्ट्रवादी नहीं कहा जाता है, लेकिन एक बिजनेसमैन के खिलाफ अगर कुछ हो गया है तो उसे राष्ट्र पर हमला कहा जाता है। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिए।
मेरा कोई गौतम अदानी से विद्वेष नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, हो भी नहीं सकती, मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन ये परिप्रेक्ष्य है कि फोन बैंकिंग से इधर समर्थन हो रहा था, उनको कोई फोन बैंकिंग अभी तक सुब्रत राय सहारा को मिला नहीं, वरना सेबी भी पीछे हट जाती, केस भी ठीक हो जाता और सुब्रत राय की बल्ले बल्ले हो जाती। सवाल यह है कि सुब्रत राय सहारा के लाखों हजारों जो परिवार उनसे जुड़े हुए हैं उसका क्या कसूर है? इसलिए वो राष्ट्र पर हमला नहीं है। तिरंगा ग्रॉस बैनर पे लहरा, तिरंगा प्लाजा न्यूयॉर्क में लहरा, लेकिन दोनों होटल को सुब्रत राय सहारा को बेचने पड़े। लेकिन वो राष्ट्रवाद पर खतरा नहीं था, राष्ट्र पर खतरा नहीं था। इसलिए दर्शकों थोड़ा अपनी आंख और कान खोल करके रखिए, और हरीश सालवे जी आप जैसे एडवोकेट अगर ये कहें कि अदानी के ऊपर हमला देश के ऊपर हमला है तो बेहद शर्मनाक है। मैं आपको इंटेलिजेंट एडवोकेट मानता हूं, और ऐसी शर्मनाक बात कम से कम आप न करिए। तो मित्रों, मैं आज समझता हूं कि सुब्रत राय सहारा और गौतम अदानी के बारे में मैंने जो आपको दृष्टांत दिए हैं आप समझ गए होंगे। सोमवार रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मत दीजिए नमस्कार।